हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस चैनल पे आज बहुत खुशी की बात है कि आज 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अब अपने किरण में 9100+ क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें नंबर सिस्टम को चला रहे हैं और नंबर सिस्टम में टाइप 2 क्वेश्चन चल रहा है और देखिए इसमें क्वेश्चन चलाना है 69 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए टाइप 2 में 69 नंबर को क्वेश्चन चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। इसी तरह से आप शेयर करते रहिए और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम पर इसको लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। यही ना क्वेश्चन, देखिए हर तरफ हर बार हर वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं। तो यहाँ से आ जाइए 69 नंबर क्वेश्चन, आप केवल शेषफल को पकड़ लीजिए। शेषफल उठा लिए, इसको कुछ देर के लिए संख्या मान लिए और कह रहा है कि इसी संख्या को 19 से भाग दे तो शेषफल, तो 19 दूनी कितना होता है बंधु, 19 दूनी 38 होता है। 38 यहाँ से घटा देंगे तो 17 में 8 गया कितना, 9, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 9 ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या x है जो 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, तो x का मान न्यूनतम क्या है। यही ना, तो आप बताइए कि x का मान इसी में तो कोई संख्या होगा। आप एक फर्स्ट को ले लीजिए 148 है, सेकंड को ले लीजिए 100 कितना है भाई, 149 है, थर्ड हो गया यहाँ पे, यहाँ से थर्ड हो गया 150 और फोर्थ ऑप्शन है दिया हुआ 147। तो ये बताइए x ये संख्या होगा, कोई संख्या ले लीजिए x का वैल्यू, तो यहाँ से x की जो संख्या होना चाहिए वो 7 से क्या करना चाहिए, पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। तो पहले ये 7 से विभाजित है या नहीं है देख लेंगे, जब 7 से विभाजित है तो आगे बढ़ेंगे, अगर 7 से विभाजित नहीं तो डायरेक्ट इसको हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 दूनी का 14, लेकिन 7 से कटेगा, शेषफल 0 होना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रहा। अब यहाँ से 7 दूनी का 14 ये भी नहीं होगा तो इसको भी रॉन्ग कर दीजिए, और यहाँ से 7 दूनी का 14 एक बचा 10 तो कटेगा नहीं 7 से, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये 7 दूनी का 14 7 एकम 7, कहने का मतलब कि आगे नहीं बढ़ना है। कब आगे बढ़ते भाई, 2 को सही रहता, 2 को गलत रहता, 2 को सही, अब इसमें आगे बढ़ते तो कौन सही है, तो देख रहे हैं कि 3 को गलत है, आइए क्या है सही है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 71 एम के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से क्या हो, पूर्णतः विभाजक, मतलब 34m जो है ना m के जगह पर क्या रखा जाए कि 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ से 34 और m के जगह पर क्या यहाँ पे रखा जाए भाई कि क्या हो जाए 12 से क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। अब बताइए कि 12 से विभाजित होने के लिए कितना रखेंगे, तो यहाँ से अब चलिए 12 दूनी का कितना होता है भाई, 12 दूनी का 24 होता है, और यहाँ से 12 दूनी का 24, यहाँ से 24 अगर घटा देते हैं तो कितना बचा, 0 और 1। अब बताइए कि 12 के टेबल में यहाँ पे m के जगह पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, 1 रखिए गया चाहे 2 रखिए गया चाहे 3 रखिए गया, क्या रखा जाएगा, तो ये 12 से क्या हो जाता है, 12 से क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से 4 रखेंगे तो 12 बटे 96 बढ़ना मा 18 से 108, तो 108 पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे m के वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, m के वैल्यू ये कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
72 नंबर। देखिए क्वेश्चन 72 नंबर क्या कर रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि भागफल के किसी प्रश्न में भाजक, इसका मतलब कि डी, भागफल क्यू से क्या है 10 गुना है। यहां से कह रहा है कि भाजक जो है ना भागफल का, इसका मतलब कि जो डी है भाजक जो है भागफल, इसका मतलब कि क्यू का ये कितना गुना है 10 गुना ये है, तो इसको क्या करेगा 10 गुना कर देंगे। अब चलिए यहां से आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि और किसके लिए यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन देखिए तो भाजक है ना कि भागफल है, पहले भागफल है तो और तथा एवं फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, तो और मतलब कि क्या हो जाएगा भाजक, भाजक क्या है भाई तो डी है, और शेषफल का 5 गुना है, मतलब कि ये रिमाइंडर का ये जो है ना रिमाइंडर का ये रिमाइंडर का ये 5 गुना है, तो रिमाइंडर में 5 से गुना करना पड़ेगा अपोजिट के लिए बराबर करने के लिए। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रिमाइंडर दिया है 46, तो यहाँ से आर की वैल्यू 46 दिया है, तो 46 गुना 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 5 23 और 5 4 20 3 कितना 23। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से आपका आ गया भागफल, ये आपका भाजक कितना हो गया 230 हो गया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे 230 इक्वल टू कितना हो जाएगा भागफल अगुना कितना 10, यहां से 0 से 0 कैंसिल, तो 23 बराबर क्या हो जाएगा भाई भागफल। अब बताइए भागफल दिया हुआ है, भाजक भी दिया हुआ है और शेष भी ऑलरेडी है, तो यहाँ से संख्या मतलब नहीं निकल जाएगा, संख्या नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से भाजक कहिए चाहे संख्या कहिए, तो भाज बराबर क्या होता है भाजक, तो भाजक अगुना क्या चीज भागफल, तो 230 अगुना कितना 23। अब यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 46 हो जाएगा, यहाँ से गुना कर दीजिए, तो 23 में 23 से गुना कीजिएगा तो कितना 23 में 23 से, तो यहाँ से 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 का 9, और यहाँ से 3 3 3 2 6 2 12 की 2, हाँ से लेकर 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 1 5 कितना हो जाएगा 529, तो यहाँ से हो जाएगा 529 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से 529 हो गया, प्लस कितना जोड़ना है 46 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, या 9 और 4 से कितना होता है 13 होता है, 2 1 3 और 5 कितना होता है 53 36, देखिए तो है 53 36, ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 73 आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शून्य शेष आता है, यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, करके एक संख्या से कह रहा है कि एक कोई भी संख्या आप मान लीजिए, और यहां से कह रहा है कि 44 से जब भाग दिया जा रहा है तो 432 भागफल, 400 कितना भागफल बचा है 32 भागफल बचा है, शेष कितना बच रहा है 0। तो अब बताइए कि संख्या बराबर मतलब कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाजक अगुना भागफल और प्लस क्या होता है शेष, तो यहाँ पे 444 अगुना 432 को यहाँ से गुना कर दीजिए आप, प्लस शेष को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 44 से 432 में और 44 से गुना कर देंगे तो 4 2 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12 2 4 4 16 1 17 हो जाएगा, 4 ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 10 0 7 2 9 1 10 0 7 1 8 1 9 कितना हो गया भाई 7 और 8 1 9 हो गया और 1 हो गया। 31 से जब भाग दे तो कितना प्राप्त होगा, 31 से भाग दे तो इसको 3 बार मिले जाइए, 3 6 कितना होता है 18 होता है, और यहाँ से 10 मिले 6 हो गया कितना बचा 4 बचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 उतार दिए और एक बार मिले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो, 31 हो जाएगा, 10 मिले 11 कितना 9 और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, इसके बाद फिर 8 उतारे तो हो गया 98, कितना बार में जाएगा फिर 3 बार में जाएंगे तो 33 तिया कितना होता है 31 तिया कितना होता है 93, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 74 नंबर, क्वेश्चन आपका 74 नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर आके देख लीजिए, कह रहा है कि किसी
38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या है? यही है ना। तो कह रहे हैं 74 नंबर क्वेश्चन कि 38 से एक संख्या को विभाजित किया जाता है, 38 से किसी संख्या, मान लीजिए कि संख्या यही है, यही संख्या को विभाजित किया जाता है, तो हमें 90 भागफल और शेष कितना प्राप्त हो रहा है भाई? तो 19 शेष प्राप्त हो रहा है। तो पहले यहां से संख्या पूछा है तो संख्या निकाल देंगे, तो भाजक का गुना क्या होता है? भागफल आप प्लस इसको जोड़ देंगे, शेष हो जाएगा। तो 38 इंटू कितना? 90 प्लस कितना? 19। तो यहां से गुना करेंगे, 9 × 72 के 2 हासिल कितना? 7 और 9 × 27 और 27 × 7 कितना होता है? 34। आप प्लस कितना है? 19 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3, तो 34 39। देखिए तो ऑप्शन है 34 39 34 39, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि संख्या 583 स्पेस दिया है 437 पूरी तरह से 9 से विभाजित है, ठीक है, अब कह रहा है कि तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 75 कि 583 स्पेस यहां से 437 दिया है, कह रहे कि ये संख्या जो है ना ये 9 से क्या है? पूरी तरह से विभाजित है। तो स्पेस के जगह पर ऑप्शन देख लीजिए, आप ऑप्शन कौन सा डालेंगे कि 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर वो 9 से मल्टीपल है तो 9 से विभाजित है, तो यहां से जोड़िए 7 × 3 10 10 × 4 14 14 और 3 कितना होता है? 17 और 17, यहां से 3 यहां से ले लीजिए, 3 अगर ले लीजिए तो 17 × 3 कितना? 20, 20 और 5 25 और 25 और 5 कितना होता है? 30। क्या 9 से मल्टीपल है? यहां पे स्पेस अभी भाई ना 30 आ गया, अगर ये जोड़ने पर 30 आ गया तो मल्टीपल मतलब कि यहां पे क्या, अगर ये संख्या रखा जाए कि ये मल्टीपल हो जाए, तो यहां से देखिए 9 आप टेबल पढ़िए, 9 × 4 = 36 होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा, तब ना ये इस जगह को भी 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 × 6 = 36। क्या 9 से ये विभाजित है ना? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वहां जो स्पेस की जगह पे क्या कितना रखेंगे भाई? तो 6 अभी 30 तो जोड़ने पर हो गया लेकिन स्पेस को नहीं जोड़ा गया है, तो 30 जोड़ने पर हो गया तो मल्टीप्लाई 9 का करना है, तो 9 × 3 = 27 होता है, लेकिन 30 से आगे चल रहा है, 30 × 6 कितना होता है? 36, 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 34n संख्या 11 से विभाजित हो तो n का मान क्या है? ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा, यहां से 34n दिया हुआ है, कह रहा है कि कितना से भाग करना है भाई? 11 से भाग करना है, लेकिन 11 से भाग करना है तो 11 के विभाजता के नियम हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सम संख्या, देखिए यहां से ये एक छोड़कर जोड़ा जाता है, लास्ट में एक बच गया, 4 बच गया, तो यहां से जोड़ने के बाद 4 हो गया, तो यहां से देखिए तो यहां से n 3 + n 3 + n और ये माइनस क्या करते हैं? 4 को करते हैं, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। तो यहां से अब यहां पे क्या जोड़ेंगे कि आ जाना चाहिए? तो यहां से अब बताइए यहां से क्या जोड़ना चाहिए भाई? तो यहां से अगर 9 जोड़ दें, 9 और 3 कितना होता है? 12। ठीक है, तो नहीं हो सकता है, अरे भाई 12 में से 4 घटेंगे तो फिर 8 हो जाएगा, 0 आएगा, 11 कहां से आया? तो यहां पे रखना पड़ेगा n के n के जगह पर 1, जब 1 रखिएगा तो 3 × 1 कितना होता है? 4, और 4 में से 4 गया, 0 आ गया, कहने का मतलब कि 11 से क्या है? विभाजित होगा क्या रखने पर? तो ऑप्शन नंबर 1।